टेशन ऑन चैप्टर नंबर टेन लैंड एंड रिवर्स ऑफ इंडिया एंड दिस इज पार्टन ऑफ आवर प्रजेंटेशन सो स्टूडेंट बिफोर वी स्टार्ट दिस चैप्टर लेटस्ट ट्राई टू लर्न फ्यू थिंग्स यू नो वट इज दिस ये क्या है ये इसको बोलते हैं ग्लोब यह क्या है बॉल शेप में होता है जैसा फुटबॉल होता है ना उस शेप में होता है अगर आप इस ग्लोब को ध्यान से देखेंगे तो बीच में से अगर एक आप लाइन ड्रॉ करेंगे ग्लोब के ओके ग्लोब के बीच में से अगर आप एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये लाइन जो है इस ग्लोब को दो पार्ट में डिवाइड करती है ऊपर वाला ग्लोब और नीचे वाला ग्लोब राइट सो जो ऊपर वाला ग्लोब है उसको बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और जो नीचे वाला ग्लोब है ओके ये तो है वो लाइन जिसने इस ग्लोब को क्या किया दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया और जो ग्लोब है उसकी शेप होती है स्पीयर वाली स्फेरिकल शेप होती है स्फेरिकल मतलब गोलाकार तो अब ये जो स्पीय है ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया अगर आपने बीच में से लाइन ड्रॉ करी एक तो हो गया नॉर्थ पार्ट ऊपर वाला और नीचे वाला पार्ट हुआ साउथ पार्ट तो जो ऊपर वाला पार्ट है इसको हम बोलते हैं नॉर्दर्न मिस्फियर नॉर्दर्न का मतलब नॉर्थ और जो नीचे वाला पार्ट है उसको बोलते हैं सदर्न हेमिस्फीयर स्फीयर का मतलब होता है गोला और हेमिस्फीयर क्या होता है आधा गोला तो जब आप इसने आपने इसको एक लाइन ड्रॉ किया तो क्या है आधा गोला तो नीचे और आधा गोला ऊपर राइट हाफ स्फीयर ऊपर हाफ स्फीयर नीचे और हाफ स्फीयर को बोलते हैं हेमिस्फीयर तो इसीलिए इसका नाम क्या है ऊपर वाले का तो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और नीचे वाले का है सदर्न हेमिस्फीयर, क्लियर एक्चुअली में ऐसी लाइन कोई होती नहीं है ये सिर्फ ये है कि एक इमेजनरी लाइन है जो स्फीयर को दो पार्ट में डिवाइड करती है क्लियर नाउ यू लुक हेयर हमने अगर हम दो और लाइन ड्रॉ करें इस जो इक्वेटर है इस लाइन को बोलता हम इक्वेटर वो लाइन जो स्फीयर को या जो हमारी अर्थ है उसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है वो लाइन होती है इक्वेटर व्हाट इज द नेम इक्वेटर और ये लाइन क्या है इमेजनरी लाइन होती है एक्चुअली में ऐसी कोई लाइन नहीं होती है ये हमने सिर्फ इमेजिन किया है राइट right? अब इसके ऊपर भी एक लाइन होती है और एक नीचे भी एक लाइन होती है ये भी दोनों इमेजनरी लाइन होते हैं और ये कितने हैं यहां से 23 डिग्री नॉर्थ पे अगर आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो उस लाइन को बोलते हैं हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ओके ये तो क्या है इक्वेटर से नॉर्थ साइड में 23 डिग्री हुई सिमिलरली इक्वेटर से साउथ साइड में भी आप 23 डिग्री साउथ पे अगर एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो उस लाइन को बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन तो बेसिकली जो हमारी अर्थ है उस पर हम तीन लाइन इमेजनरी जो है वो कंसिडर करते हैं और इनका इंपॉर्टेंस क्या है इसके हिसाब से हमें पता चलता है कि किस कंट्री में ज्यादा गर्मी पड़ती है किस कंट्री में ज्यादा सर्दी पड़ती है किस कंट्री का क्लाइमेट कैसा है ये हमें पता चल जाता है इन तीन लाइंस के थ्रू और ये तीनों लाइंस क्या है इमेजनरी लाइंस हैं नंबर वन लाइन कौन सी है हमारी इक्वेटर और इक्वेटर लाइन जो है इमेजनरी लाइन है जो अर्थ को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है ऊपर तो क्या है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और इसके नीचे है सदर्न हेमिस्फीयर क्लियर देन एक और लाइन होती है जो इक्वेटर से ऊपर होती है 23 डिग्री नॉर्थ में और इस इमेजनरी लाइन का नाम होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या नाम है इसका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर सिमिलरली एक लाइन होती है जो इक्वेटर के नीचे होती है 23 डिग्री साउथ इस लाइन का नाम होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन अब जो ये लाइन है ये इसके बीच में अगर कोई प्लेस है दैट मींस अगर इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में अगर कोई प्लेस है या इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच में कोई कंट्री आता है तो वहां का जो क्लाइमेट होता है वो हॉट एंड ह्यूमिड रहता है राइट right? क्या रहता है हॉट एंड ह्यूमिड क्लियर और जो भी पार्ट इससे ऊपर आता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन से नीचे आता है वहां पे रिलेटिवली क्लाइमेट ठंडा होता है ओके सो दिस इज अबाउट आवर अर्थ एंड थ्री इमेजनरी लाइंस इक्वेटर टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन टॉपिक ऑफ कैंसर अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखिए ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है अगर आप इसको जूम करेंगे तो यहाँ से पास हो रही है अर्थ में जो है ना बहुत सारे कॉन्टिनेंट्स हैं उनके बीच में से पास हो रही है और एक इस जगह से भी पास हो रही है ऑलमोस्ट बीच में से पास हो रही है इस कंट्री में से आपको पता है कंट्री कौन सा है ये कंट्री है इंडिया दिस इज आवर इंडिया तो हमने जो पूरी डिस्कशन करी वो क्यों करी बिकॉज वी वॉन्टेड टू अंडरस्टैंड कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन है वो इंडिया के ऑलमोस्ट मिडिल में से पास करती है इसके नीचे वाला जो पार्ट है एक तो वो सो दैट इज कॉल्ड सर्दर्न इंडिया और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर जो है वो नॉर्थ इंडिया ओके सो दिस इज क्लियर राइट सेम चीज मैप में दिखाई हुई है अभी तो हम ग्लोब देख रहे थे मैप में भी सेम चीज दिखाई हुई है यू सी है इक्वेटर जो अर्थ के बीच में से पास कर रहा है देन दिस इज योर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर दिस इज योर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन एंड दिस इज योर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इसके बीच में इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में जो जोन होता है उसको बोलता है ट्रॉपिकल जोन सिमिलरली इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच में जो कंट्रीज पढ़ते हैं जो जोन आता है उसको बोलता है ट्रॉपिकल जोन ट्रॉपिकल जोन क्या होता है वहां का क्लाइमेट होता है हॉट एंड ह्यूमिड नाउ यू सी हेयर वी विल नॉट गेट इन टू डिटेल अबाउट पोलर जोन एंड टेम्परेट जोन ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे अभी आप सिर्फ ये देखिए ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो ये लाइन है और ये इंडिया के ऑलमोस्ट बीच में से जा रही है ओके You can see this. This is our India. Clear? Same thing again shown on a globe. ये पूरा ग्लोब है फुटबॉल जैसा दिखता है ना पूरा बॉल जैसा दिख रहा है स्पीयर है ये बीच में से जो लाइन पास कर रही है उसको क्या बोलते हैं इक्वेटर वॉट इज द नेम इक्वेटर और इससे ऊपर जो है 23 थ्री डिग्री नॉर्थ में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये लाइन जो है वो इंडिया के बीच में से पास होती है और नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन सो so ये सदर्न हेमिस्फीयर और ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, तो इससे हमें क्या पता चला इंडिया जो है वो कहां पे है ये इंडिया है ओके और इंडिया क्या है इस इक्वेटर के नॉर्थ में है ऊपर है ना तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इंडिया है क्लियर और जो दूसरा मेजर कंट्री है जो सदर्न हेमिस्फीयर में है वो है यहां पे ऑस्ट्रेलिया ओके अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ होती है सदर्न हेमिस्फीयर और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में यहाँ पे जो सीजन होते हैं ना वो बिल्कुल उल्टे होते हैं क्योंकि जब अर्थ का ये वाला पार्ट नॉर्थ वाला पार्ट सन को फेस कर रहा होता है तो जो साउथ वाला पार्ट है वो सन के अपोजिट होता है जो चीज़ सन के सामने होती है आपको पता है कि वो चीज़ गर्म होती है वहां पर गर्मी आती है तो जब नॉर्दर्न हेमिसफियर सन को फेस करता है तो वहां पर क्या होता है समर टाइम होता है क्या होता है गर्मी का टाइम उसी वक्त जो सदर्न हेमिस्फीयर है ये वाला पार्ट ये किधर होता है सन के पीछे की तरफ मतलब सन को फेस नहीं करता है तो यहां पे क्या होता है विंटर टाइम क्योंकि यहां पे जो है सनलाइट सीधी नहीं आती है तो दैट मींस जस्ट उल्टा होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के जो कंट्रीज हैं जब वहां पे सर्दी होती है तो सदर्न हेमिस्फीयर के कंट्रीज में गर्मी होती है एंड जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के कंट्रीज में गर्मी होती है तो सदर्न हेमिस्फीयर में सर्दी होती है वेरी इंटरेस्टिंग सो दैट मींस जब इंडिया में डिसंबर और जनवरी में अभी डिसंबर एंड जनवरी से फॉर एग्जाम्पल उसमें जब सर्दी होती है विंटर टाइम होता है तो ऑस्ट्रेलिया में ये ऑस्ट्रेलिया है जो सदर्न हेमिस्फीयर में है वहाँ पे दिसंबर जनवरी में समर होती है गर्मी होती है दैट मीन्स क्रिसमस टाइम पे जो है ऑस्ट्रेलिया तो में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है और हमारे यहाँ पे क्रिसमस टाइम पे सर्दी पड़ती है सो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्टर काफ़ी अमेजिंग फैक्ट है ना ये सो नाउ लेट अस कंसंट्रेट ऑन इंडिया ये इंडिया है राइट right? अब हम इसी को जूम करके देखेंगे कि ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया में कहाँ से पास होती है सो दिस लाइन ये जो इमेजनरी लाइन है दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ओके ये इमेजनरी लाइन जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और ये इंडिया के ऑलमोस्ट बीच में पास होती है और जो राजस्थान है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर है एंड जो सदर्न इंडिया के पार्ट है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे हैं इसीलिए ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के जो ऊपर वाला पार्ट है यहां पे विंटर टाइम में अच्छी खासी सर्दी पड़ती है बट जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे वाला पार्ट है इंडिया का वहाँ पे विंटर में सर्दी नहीं पड़ती है क्योंकि ये ट्रॉपिकल जोन में आता है जो हॉट एंड ह्यूमिड है सो इससे एक तो आपको पता चल गया कि इंडिया के अंदर ही नॉर्थ में तो बड़ी सर्दी पड़ती है बट साउथ में सर्दी नहीं पड़ती उसका रीज़न क्या है जो नॉर्थ इंडिया है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर है और जो सदर इंडिया है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे है वो ट्रॉपिकल जोन में है साउथ इंडिया ठीक है दैट इज वाई देर आर नो विंटर्स क्लियर एक्सेलेंट नाउ लेट स्टार्ट विद अ चैप्टर चैप्टर नंबर टेन और चैप्टर का नाम है लैंड एंड रिवर्स ऑफ इंडिया तो इंडिया के जो लैंड है जमीन है और रिवर्स है उसके बारे में हम पढ़ेंगे नाउ रिवर बिलोंग्स टू ऑल द लाइफ ऑन द लैंड कीप दम क्लीन जो रिवर्स है वो बिलोंग करती हैं टू ऑल द लाइफ ऑन द अर्थ जो लाइफ पे जितनी भी अर्थ पे जितनी भी लाइफ है या लैंड पे जितनी भी लाइफ है उस सब को बिलोंग करती है रिवर्स ओके okay? मतलब वो सबकी हैं रिवर जो है वो सबकी हैं जितने भी लोग लैंड पे हैं ओके okay? उन सबकी जो है लाइफ जो है वो रिवर पे बिलोंग करती है ओके okay? कीप देम क्लीन तो उनको क्या है रिवर को हमें क्या रखना चाहिए वी हैव टू कीप देम क्लीन कीप मतलब रखना क्लीन रखना चाहिए हमें रिवर को राइट नाउ लेट एस स्टार्ट विद दिस एक्सरसाइज ये क्या है आइडेंटिफाई एंड नेम दीज लैंड फॉर्म्स आपको क्या करना है आपको आइडेंटिफाई करना है और नेम लिखना है दीज लैंड फॉर्म्स का ये जो है ना जो जो लोकेशन है उनका नाम लिखना है जो लैंड फॉर्म्स है उनका सो so, लुक एट द फर्स्ट पिक्चर यह क्या है यह माउंटेन्स हैं राइट सो क्या लिखेंगे यहाँ पे स्टार्ट विद एम एम ओ यू एन टी ए आई एन माउंटेन नेक्स्ट वन माउंटेन्स के बीच में से रिवर पास हो रही है और ये जो है कम हाइट वाला इलाका है इसको बोलता है वैलीज हिंदी में बोलता है घाटिया सो so, वी ए Double L E Y Valley. And you look here, camels they are walking in the desert. walk. So D E S E R T desert. And here you see what is this? A piece of land surrounded by water from all four sides. एक जमीन का टुकड़ा है पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वॉटर फ्रॉम ऑल फोर साइड्स सो वॉट इज अ नेम दिस इज कॉल्ड आईलैंड आई एस एल ए एन डी आईलैंड नाउ लेट एस कंटिन्यू विद द चैप्टर ओके सो इस चैप्टर में हम क्या क्या चीज सीखेंगे दैट इज नॉलेज मैपिंग अबाउट इंडिया वी विल लर्न देन डिफरेंट लैंड फॉर्म्स

इंडिया जो है वो बहुत बिग कंट्री है सी ओ यू एन टी आर वाई कंट्री कंट्री मीन्स देश इट इज़ द सेवंथ लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ एरिया एंड सेकेंड लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन तो इंडिया के बारे में एक फैक्ट जो आपको नहीं पता है कि वर्ल्ड में इतने सारे कंट्रीज हैं उनमें एरिया के हिसाब से ओके इन टर्म्स ऑफ एरिया मतलब एरिया के हिसाब से जो हमारे पास जगह है ना हमारे कंट्री के पास उसके हिसाब से हम वर्ल्ड में सेवंथ हैं सेवंथ लार्जेस्ट सेवन्थ लार्जेस्ट का मतलब क्या हुआ हमसे बड़े सिर्फ सिक्स कंट्रीज हैं एरिया के हिसाब से और बाकी के जितने भी कंट्रीज हैं वन हंड्रेड प्रॉब्ली से अराउंड वन हंड्रेड एट्टी प्लस तो उतने सारे कंट्रीज हमसे एरिया के हिसाब से छोटे हैं तो दैट मीन्स इंडिया इज ए बिग कंट्री ओके एंड इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन वी आर सेकेंड लार्जेस्ट और जो पॉपुलेशन है ओ पी यू एल ए टी आई ओ एन पॉपुलेशन मीन्स जनसंख्या सो पॉपुलेशन के हिसाब से हम क्या है सेकेंड लार्जेस्ट वर्ल्ड में सेकेंड नंबर पे हैं हमसे आगे सिर्फ एक कंट्री है और उसका नाम है चाइना पॉपुलेशन के हिसाब से ओके okay? सो so, इसको आप कैसे बोलेंगे इंडिया इज बिग कंट्री इट इज अ सेवंथ लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड ये वर्ल्ड में सेवंथ लार्जेस्ट कंट्री है इन टर्म्स ऑफ एरिया एरिया के हिसाब से एंड सेकेंड लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन सेकेंड लार्जेस्ट है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन इट इज़ डिवाइडेड इंटू ट्वेंटी एट स्टेट्स एंड नाइन यूनियन टेरीटरीज सो इट यहाँ पे किसके लिए आया है इंडिया के लिए तो इंडिया जो है वो डिवाइडेड है मतलब इसको बांटा गया है इंटू ट्वेंटी एट स्टेट्स ट्वेंटी एट तो स्टेट्स में एंड नाइन यूनियन टेरीटरीज और नाइन यूनियन टेरीटरीज में तो ये जो जम्मू कश्मीर था पहले स्टेट था अभी वो यूनियन टेरिटरी में आ गया है ओके जम्मू कश्मीर अलग यूनियन टेरिटरी और लद्दाख अलग यूनियन टेरिटरी, राइट नाउ नेक्स्ट वन इंडिया लाइज इन द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया नाउ इफ यू सी इंडिया जो है वो कौन से कॉन्टिनेंट में है एशिया कॉन्टिनेंट में है यू लुक एट दिस पिक्चर इंडिया कहां पर है यहां पर ओके okay? ये इंडिया है और इंडिया कौन से कॉन्टिनेंट में है ये जो कॉन्टिनेंट है ना ये वाला ये है एशिया ओके okay? ये एशिया कॉन्टिनेंट है एंड दिस इज नॉर्थ अमेरिका जहां पे अमेरिका है ओके सो इंडिया कहां पे है एशिया कॉन्टिनेंट में है दिस इज एशिया और ये जो दूसरा आप कॉन्टिनेंट देख रहे हैं ये है अफ्रीका दिस इज साउथ अमेरिका दिस इज ऑस्ट्रेलिया एंड दिस एरिया इज यूरोप ओके सो इंडिया इज इन एशिया कॉन्टिनेंट क्लियर

इट्स नॉर्थ टू साउथ एक्सटेंट एक्सटेंट मतलब सीमा नॉर्थ से साउथ की जो एक्सटेंट है वो कितनी है अबाउट लगभग थ्री थाउजेंड टू हंड्रेड किलोमीटर्स है मतलब अगर आप कश्मीर से चलेंगे कन्याकुमारी तक तो आपको थ्री थाउजेंड टू हंड्रेड किलोमीटर्स की डिस्टेंस ट्रैवल करनी पड़ेगी यू कैन इमेजिन कितनी बड़ी डिस्टेंस है ओके ओके दैट इज फ्रॉम कश्मीर इन नॉर्थ टू कन्याकुमारी इन द साउथ एंड अबाउट थ्री थाउजेंड किलोमीटर्स अगर और आपको जो है थ्री थाउजेंड किलोमीटर्स चलना पड़ेगा अगर आप गुजरात जो है वेस्ट में है वहाँ से अरुणाचल प्रदेश ईस्ट तक जाते हैं इट्स एज इट एज़ टोटल एरिया ऑफ थर्टी टू लैख एटी सेवन थाउजेंड टू हंड्रेड सिक्सटी थ्री स्क्वायर किलोमीटर्स सो इट इज़ अ बिग एरिया ओके अब आपको ये मैप जो है बहुत छोटा सा लग रहा होगा राइट बट अगर आप यहाँ से कश्मीर से चले कन्याकुमारी तक ओके नॉर्थ टू साउथ ये क्या है नॉर्थ एन ओके दिस इज ए साउथ दिस इज वेस्ट एंड दिस इज ईस्ट ओके सो आप नॉर्थ से साउथ अगर आप आए ओके okay? तो आपको कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा 3,200 थाउजेंड किलोमीटर्स वेरी बिग डिस्टेंस और अगर आप गुजरात ये है गुजरात जो वेस्ट में है यहाँ से अगर आप ईस्ट की तरफ गए अरुणाचल प्रदेश की तरफ ये अरुणाचल प्रदेश है तो आपको कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा ऑलमोस्ट थ्री थाउजेंड किलोमीटर्स सो यू कैन इमेजिन इंडिया कितना बड़ा कंट्री है नाउ लेट लर्न वन वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट हमने बोला इंडिया जो है पॉपुलेशन के हिसाब से सेकेंड लार्जेस्ट है वर्ल्ड में और एरिया के हिसाब से सेवंथ लार्जेस्ट है तो so, पॉपुलेशन में हमसे आगे सिर्फ एक कंट्री है दैट इज चाइना नाउ एरिया के हिसाब से हमसे आगे छह कंट्रीज हैं सिक्स कंट्रीज आर बिगर देन अस लार्जर देन अस तो वो कौन से छह कंट्रीज हैं नंबर वन रशिया नंबर टू कैनेडा नंबर थ्री चाइना नंबर फोर यूएसए नंबर फाइव ब्राजील एंड नंबर सिक्स ऑस्ट्रेलिया सो दे आर बिगर देन इंडिया ओके एंड चाइना इज़ द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड चाइना जो है वो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला कंट्री है वर्ल्ड में अब आपका एक असाइनमेंट है इसमें आप इसमें मैप देखेंगे और मैप में आइडेंटिफाई करेंगे कि रशिया कौन से कॉन्टिनेंट में है कैनेडा कौन से कॉन्टिनेंट में है चाइना कौन से कॉन्टिनेंट में है यूएसए कौन से कॉन्टिनेंट में है ब्राजील इन विच कॉन्टिनेंट एंड ऑस्ट्रेलिया इन विच कॉन्टिनेंट ये आप आइडेंटिफाई करेंगे And you will tell, right? Now what next? It has a 15200 km long land frontier and 6100 km long coastline to ab aap india ko dekhiye yahan तो अब आप इंडिया को देखिए यहाँ पे ये इंडिया है राइट right? अब इसकी जो है जो लैंड फ्रंटियर है मतलब जो लैंड बॉर्डर है और कंट्रीज के साथ में उसकी लेंथ क्या है फिफ्टीन और कोस्ट लाइन जो है वो कितनी है सिक्स थाउजेंड वन हंड्रेड किलोमीटर इसका आप मतलब समझे नाउ यू सी दिस ब्लू कलर थिंग इज वॉटर राइट तो वेस्ट में इंडिया के है अरेबियन सी ईस्ट में है बे ऑफ बंगाल एंड साउथ में है इंडियन ओशन तो हम तीन तरफ से तो पानी से घिरे हुए हैं यू लुक है इस तरफ पानी है इंडिया के वेस्ट में पानी इंडिया के ईस्ट में भी पानी और इंडिया के साउथ में भी पानी सो इंडिया बेसिकली क्या है एक पेनिनसुला है पेनिनसुला क्या होता है अ पीस ऑफ लैंड व्हाट इज़ पेनिनसुला अ पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम थ्री साइड्स तो इंडिया के जो है वेस्ट में भी पानी ओशन ईस्ट में भी ओशन एंड साउथ में भी ओशन सिर्फ इंडिया के जो नॉर्थ में है वो ओशन नहीं है इधर लैंड है इधर भी लैंड है राइट right? नॉर्थ में दैट इज वाई इंडिया इज अ पेनिंसुला क्लियर नाउ नेक्स्ट चीज हम क्या देख रहे थे कि इंडिया की फिफ्टीन थाउजेंड टू हंड्रेड किलोमीटर लॉन्ग तो है लैंड फ्रंटियर ओके दैट मींस लैंड बाउंड्री जो शेयर करता है वह दूसरे कंट्रीज के साथ तो देखो यहां से लैंड चालू हो गई राइट right? ये जो है नाउ यू लुक खेयर आई हैव मार्क् दिस रेड कलर ये जो रेड कलर की लाइन है ये इंडिया की लैंड फ्रंटियर है जो दूसरे कंट्रीज के साथ लगी हुई है एंड वॉट इज लेंथ मतलब अगर आप यहां से चालू करेंगे चलना और ये अगर आप इफ यू वॉक अलॉन्ग दिस आप ऐसे वॉक करते रहेंगे इंडिया के लैंड फ्रंटियर पे तो आपको कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी फिफ्टीन थाउजेंड टू हंड्रेड किलोमीटर विच इज बिग विच इज वेरी वेरी ह्यूज राइट एंड एट द सेम टाइम व्हाट इज इंडियाज कोस्टलाइन कोस्टलाइन क्या होती है जो सी के किनारे या ओशन के किनारे हो राइट right? तो अब यहां से हमारा सी चालू हो गया एंड दिस इज विच सी इज दिस दिस इज अरेबियन सी राइट सो नाउ लेट अस सी हाउ मच इज हाउ इज दिस प्रोफाइल आवर कोस्ट लाइन इज लाइक दिस राइट तो ये जो है इसकी लेंथ कितनी है 6,100 किलोमीटर मतलब आप यहां से चलेंगे कोस्ट लाइन से और अगर ऐसे ऐसे ट्रैवल करते रहेंगे देन हाउ मच ट्रैवल डिस्टेंस यू विल ट्रैवल सिक्स थाउजेंड वन हंड्रेड किलोमीटर्स सो दैट मीन्स इंडिया इज अ बिग कंट्री राइट एंड द नेक्स्ट वन वॉट इज दैट द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू द मिडल ऑफ इंडिया ये तो आपको अच्छे से पता है अभी राइट right? जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो इमेजनरी लाइन है वो इंडिया के मिडल से पास करती है आवर नेबरिंग कंट्रीज आर पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान टू द नॉर्थ वेस्ट ओके नेपाल भूटान चाइना टू द नॉर्थ म्यांमार बांग्लादेश टू द ईस्ट श्रीलंका एंड मालदीव टू द साउथ तो हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज हैं वो कैसे कैसे हैं लेटे सी लुक हेयर, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान ये तो हमारे हो गए नॉर्थ वेस्ट में ओके दिस इज नॉर्थ दिस इज वेस्ट और ये जो डायरेक्शन होती है वो है नॉर्थ वेस्ट ओके क्लियर देन नेपाल भूटान चाइना देखो दिस इज चाइना दिस इज भूटान दिस इज चाइना दिस इज भूटान एंड दिस इज नेपाल ये हमारे किधर है नॉर्थ में है ओके okay? इंडिया के नॉर्थ में कौन सी कंट्रीज हैं चाइना भूटान एंड नेपाल एंड देन म्यांमार एंड बांग्लादेश राइट सो दिस इज म्यांमार एंड बांग्लादेश दे आर ऑन द ईस्ट साइड ये ईस्ट में है म्यांमार एंड बांग्लादेश एंड श्रीलंका एंड मालदीव्स ये हमारे हैं साउथ में ये हमारे नेबरिंग कंट्रीज हैं क्लियर इन द प्रीवियस चैप्टर यू है लर्नड अबाउट टाइप ऑफ मैप्स मैप्स के बारे में आपने बहुत कुछ पढ़ा है नाउ डू यू हैव एनी आइडिया वॉट काइंड ऑफ मैप इज इट ये कौन सा टाइप का मैप है दिस इज पॉलिटिकल मैप और इसका टाइटल क्या है इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज क्योंकि इस मैप में हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है इंडिया और उसके नेबरिंग कंट्रीज के बारे में एंड दिस इज अ पॉलिटिकल मैप बिकॉज इट शोज द बाउंड्री ऑफ डिफरेंट कंट्रीज एंड डिफरेंट स्टेट्स क्लियर एक्सेलेंट नाउ नेक्स्ट वन पॉस टू डू नेम द वॉटर बॉडीज सराउंडिंग इंडिया एंड वेयर डू द लाइन तो आपको नेम करना है वाटर बॉडीज का जो सराउंड करती है इंडिया को जो इंडिया के चारों तरफ है एंड वेयर डू दे लाइव सो वेरी इजी अरेबियन सी नंबर वन दैट इज वेस्ट ऑफ इंडिया देन साउथ ऑफ इंडिया इज इंडियन ओशन ओके एंड ईस्ट ऑफ इंडिया इज बे ऑफ बंगाल राइट सो दीज आर दॉटर बाउंड्रीज नंबर वन अरेबियन सी इन वेस्ट बे ऑफ बंगाल इन ईस्ट

टू अंडरस्टैंड इट्स वेरीड लैंडफॉर्म इंडिया को हमने क्या है दो पार्ट में डिवाइड कर दिया टू अंडरस्टैंड द डिफरेंट लैंडफॉर्म नंबर वन नॉर्दर्न इंडिया एंड नंबर टू नॉर्थ सदर्न इंडिया नंबर टू क्या है पेनिंसुलर इंडिया और पेनिंसुला का भी ये भी आपको मैंने बताया था राइट वॉट इज पेनिंसुला अ पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वॉटर फ्रॉम थ्री साइड्स सो इंडिया के दो पार्ट हम जो है उसमें डिवाइड किया है एंड वी विल डिस्कस To understand varied landform, India has two parts. Who we Number one, North India, Northern India, and number two, Peninsular India. Right? Spelling. We focus here. What is the spelling of Peninsular? P-E-N-I-N -N, Peninsular. S-U-L-A-R. Right? Now we will stop here and continue in the next presentation. Please go through all the difficult words and learn all the difficult words. Thank you.